उसका फ़ोन आ सकता है, वो वापस जा सकता है, वो यहाँ से भाग सकता है, वो तुम्हें हरा सकता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं सकता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में माइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हाउ आर लुक सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसका फ़ोन आ सकता है, ही माइट फोन, ही माइट फोन। वो वापस जा सकता है, ही माइट गो बैक, ही माइट गो बैक। वो यहाँ से भाग सकता है, वो यहाँ से भाग सकता है, ही माइट रन अवे फ्रॉम हियर, ही माइट रन अवे फ्रॉम हियर। वो यहाँ आ सकता है, वो यहाँ आ सकता है, ही माइट कम हियर, ही माइट कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें हरा सकता है, फिर कभी आ जाएंगे, फिर कभी जाएंगे, फिर कभी मिलेंगे, हम फिर कभी खेलेंगे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं फिर कभी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सम अदर टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ सेंटेंस इन योर डेली कन्वर्सेशन। सो हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर, सेंटेंस प्लस सम अदर टाइम। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर कभी आ जाएंगे, वी विल कम सम अदर टाइम, वी विल कम सम अदर टाइम। फिर कभी जाएंगे, वी विल गो सम अदर टाइम, वी विल गो सम अदर टाइम। फिर कभी मिलेंगे, वी विल मीट सम अदर टाइम, वी विल मीट सम अदर टाइम। हम फिर कभी खेलेंगे, वी विल प्ले सम अदर टाइम, वी विल प्ले सम अदर टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं फिर कभी आऊँगा, खुल कर कहूँ तो मैं कुछ नहीं करता, खुल कर कहूँ तो वो मना नहीं कर सकता, खुल कर कहूँ तो तुम अच्छा नहीं हो, खुल कर कहूँ तो वो आज नहीं आएगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं खुल कर कहूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रेंकली स्पीकिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। खुल कर कहूँ तो मैं कुछ नहीं करता। फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम डूइंग नथिंग, फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम डूइंग नथिंग। खुल कर कहूँ तो वो मना नहीं कर सकता। फ्रेंकली स्पीकिंग ही कैंट फॉरबिड, फ्रेंकली स्पीकिंग ही कैंट फॉरबिड। खुल कर कहूँ तो तुम अच्छा नहीं हो। फ्रेंकली स्पीकिंग यू आर नॉट गुड, फ्रेंकली स्पीकिंग यू आर नॉट गुड। खुल कर कहूँ तो वो आज नहीं आएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग ही विल नॉट कम टूडे, फ्रेंकली स्पीकिंग ही विल नॉट कम टूडे। वो बोले बिना नहीं रह सका, हम खेले बिना नहीं रह सके, तुम काते बिना नहीं रह सके, मैं देखे बिना नहीं रह सका। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं नहीं रह सका। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कुड नॉट हेल्प। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट हेल्प प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। वो बोले बिना नहीं रह सका, वो बोले बिना नहीं रह सका। ही कुड नॉट हेल्प स्पीकिंग, ही कुड नॉट हेल्प स्पीकिंग। हम केले बिना नहीं रह सके, वी कुड नॉट हेल्प प्लेइंग, वी कुड नॉट हेल्प प्लेइंग। तुम काते बिना नहीं रह सके, यू कुड नॉट हेल्प ईटिंग, यू कुड नॉट हेल्प ईटिंग। मैं देखे बिना नहीं रह सका, आई कुड नॉट हेल्प वॉचिंग।
I could not help watching. Chalo acha hua ke wo aaya. Chalo acha hua ke maine use bataya. Chalo acha hua ke maine seekha. Chalo acha hua ke wo yahan nahi aaya. In jumlon mein hum bol rahe hain chalo acha hua. Iske liye aapko use karna hoga well it's good that. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. वेल इट्स गुड दैट प्लस सेंटेंस. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. चलो अच्छा हुआ कि वो आया. वेल इट्स गुड दैट ही केम. वेल इट्स गुड दैट ही केम. चलो अच्छा हुआ कि मैंने उसे बताया. वेल इट्स गुड दैट आई टोल्ड हिम. वेल इट्स गुड दैट आई टोल्ड हिम. चलो अच्छा हुआ कि मैंने सीखा. वेल इट्स गुड दैट आई लर्नड. वेल इट्स गुड दैट आई लर्नड. चलो अच्छा हुआ कि वो यहाँ नहीं आया. वेल इट्स गुड दैट ही डिड नॉट कम हियर. वेल इट्स गुड दैट ही डिड नॉट कम हियर. उल्टा हमें आना पड़ा. उल्टा तुम्हें खेलना पड़ा. उल्टा मुझे जाना पड़ा. उल्टा उसे बोलना पड़ा. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं उल्टा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रादर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस रादर प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उल्टा हमें आना पड़ा. वी हैड रादर टू कम. वी हैड रादर टू कम. उल्टा तुम्हें खेलना पड़ा. यू हैड रादर टू प्ले. यू हैड रादर टू प्ले. उल्टा मुझे जाना पड़ा. आई हैड रादर टू गो. आई हैड रादर टू गो. उल्टा उसे बोलना पड़ा. ही हैड रादर टू स्पीक. खाने से मेरा मन भर गया. टीवी देखने से उसका मन भर गया. रोज़ खेलने से मेरा मन भर गया. हमारा पढ़ने से मन भर गया. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मन भर गया है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गॉट एनफ ऑफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस गॉट एनफ ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स. आज ये डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. खाने से मेरा मन भर गया. आई गॉट एनफ ऑफ ईटिंग. आई गॉट एनफ ऑफ ईटिंग. टीवी देखने से उसका मन भर गया. ही गॉट एनफ ऑफ वॉचिंग टीवी. ही गॉट एनफ ऑफ वॉचिंग टीवी. रोज़ खेलने से मेरा मन भर गया. आई गॉट एनफ ऑफ प्लेइंग डेली. आई गॉट एनफ ऑफ प्लेइंग डेली. हमारा पढ़ने से मन भर गया. वी गॉट एनफ ऑफ रीडिंग. वी गॉट एनफ ऑफ रीडिंग. अभी बस तुम्हें सोचना है. अभी बस तुम्हें वहाँ जाना है. अभी बस मुझे पढ़ना है. अभी बस हमें घर जाना है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अभी बस. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में जस्ट वांट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस जस्ट वांट प्लस टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. अभी बस तुम्हें सोचना है. यू जस्ट वांट टू थिंक. यू जस्ट वांट टू थिंक. अभी बस तुम्हें वहाँ जाना है. यू जस्ट वांट टू गो देयर. यू जस्ट वांट टू गो देयर. अभी बस मुझे पढ़ना है. आई जस्ट वांट टू रीड. I just want to read. अभी बस हमें घर जाना है. We just want to go home. We just want to go home.
यकीन करना मुश्किल है कि तुम पास हो गए, यकीन करना मुश्किल है कि तुम आ गए, यकीन करना मुश्किल है कि तुमने गाली दी, यकीन करना मुश्किल है कि तुम ऐसा बोल सकते हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यकीन करना मुश्किल है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ हार्ड टू बिलीव। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ हार्ड टू बिलीव प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यकीन करना मुश्किल है कि तुम पास हो गए। इट इज़ हार्ड टू बिलीव यू हैव पास्ड। इट इज़ हार्ड टू बिलीव यू हैव पास्ड। यकीन करना मुश्किल है कि तुम आ गए। इट इज़ हार्ड टू बिलीव यू केम। इट इज़ हार्ड टू बिलीव यू केम। यकीन करना मुश्किल है कि तुमने गाली दी। इट इज़ हार्ड टू बिलीव यू अब्यूज्ड। इट इज़ हार्ड टू बिलीव यू अब्यूज्ड। यकीन करना मुश्किल है कि तुम ऐसा बोल सकते हो। इट इज़ हार्ड टू बिलीव यू कैन स्पीक लाइक दैट। इट इज़ हार्ड टू बिलीव यू कैन स्पीक लाइक दैट। वो बोले बिना नहीं रह सका, हम केले बिना नहीं रह सके, तुम काते बिना नहीं रह सके, मैं दे के बिना नहीं रह सका। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं नहीं रह सका। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कुड नॉट हेल्प। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट हेल्प प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। वो बोले बिना नहीं रह सका, वो बोले बिना नहीं रह सका। ही कुड नॉट हेल्प स्पीकिंग, ही कुड नॉट हेल्प स्पीकिंग। हम केले बिना नहीं रह सके। वी कुड नॉट हेल्प प्लेइंग, वी कुड नॉट हेल्प प्लेइंग। तुम काते बिना नहीं रह सके। यू कुड नॉट हेल्प ईटिंग, यू कुड नॉट हेल्प ईटिंग। मैं दे के बिना नहीं रह सका। आई कुड नॉट हेल्प वॉचिंग, आई कुड नॉट हेल्प वॉचिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो हंस बिना नहीं रह सका, वो हंस बिना नहीं रह सका। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम।